पाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। उस अवस्था में उसका शरीर 3 प्रमुख अंगों से निष्प्रभावी होने लगता है। पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं तथा शिकार पकड़ बनाने में अक्षम होने लगते हैं। चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है और भोजन में व्यवधान उत्पन्न करने लगती है। पंख भारी हो जाते हैं, सीने से चिपकने के कारण पूर्ण रूप से खुल नहीं पाते हैं, उड़ान की सीमित कर देते हैं। भोजन उड़ना, भोजन पकड़ना, भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धारा खोने लगती हैं। उसके पास 3 ही विकल्प बचते हैं, देह त्याग दे और दूसरी अपनी प्रवृत्ति छोड़कर गिद्ध की तरह व्यक्ति भोजन तरह निर्वाह करे, या फिर स्वयं को स्थापित करे आकाश में निर्दंड एकादी प्रति के रूप में, जहाँ पहले जो विकल्प सरल और त्वरित है। अंत में बचता है तीसरा लंबा और अत्यंत पीड़ादायी रास्ता। बाद चुनता है तीसरा रास्ता और स्वयं को पुनः स्थापित करता है कि वह किसी ऊंचे पहाड़ी पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब स्वयं को पुनः स्थापित करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करता है। सबसे वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। चोंच तोड़ने से कोई अधिक पीड़ादायी कुछ भी नहीं होता पक्षी राज्य के लिए और वह प्रतीक्षा करता है चोंच को पुनः उगाने का। उसके बाद वह पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और प्रतीक्षा करता है पंजों के पुनः उगाने का। चोंच और पंजे आने के बाद वो अपने भारी पंखों को एक एक चोंच से निकालता है, प्रतिरक्षा करता है पंखों के पुनः उगाने की। 150 दिन की पीड़ा और प्रतीक्षा के बाद मिलती है भव्य और ऊंची उड़ान। पहले जैसे इस पुनर्स्थापना के बाद वह 30 साल और जीता है। ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ इसी इच्छा सक्रियता और कल्पना दोनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हम इंसानों में भी हमें भूतकाल में जकड़े अस्तित्व भारी पन को त्याग कर कल्पना की उन्मुक्त उड़ाने भरनी होंगी। मन लगाकर किया गया कोई भी काम व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है, जबकि बेईमानी और अरुचि से किया गया कार्य नकारात्मक परिणाम देता है। आप थोड़ी देर के लिए जरा अपने अतीत में झांकिए। ऐसे 2 कार्यों को याद कीजिए जिनमें से एक को अपनी रुचि से किया हो और दूसरी अरुचि से। परिणाम को याद कीजिए, आप आएंगे रुचि के काम में ज्यादा सफलता मिली है। किसी काम को दिलचस्पी व ऊर्जा देती है जिससे राह की तमाम मुश्किलें आसान हो जाती हैं। प्रतियोगिता के जमाने में सफलता इतनी आसान नहीं है, इसके लिए आपको प्रवीण बनना होगा, यानी आप खुद को कुशल बनाएं कि बाकी लोग उससे आगे निकल जाएं। यही प्रवीणता है अपनी योग्यता में निखार का, आप खुद की प्रवीण बना सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ऐसे ऐसे गुण जरूर होते हैं जो उसे खास और दूसरों से अलग बनाते हैं, पर जब लापरवाही के कारण आपको अपनी खासियत नजर नहीं आती है तो वह गुण उभर कर सामने नहीं आ पाते। इसलिए अपनी रुचि को पहचाने और अपनी योग्यता को विकसित करें। इस दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। निसंदेह परिश्रम सफलता की कुंजी है। रुचि योग्यता तभी निखरेगी जब आप कठिन परिश्रम करेंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी अपना 100% देना होगा। इसलिए खुद को पहचाने, अपने गुणों को परखें और सही काम करते हुए दुनिया को जीत लें।